ओम शांति। आज की तारीख है 14/8/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में तुमको भेज देंगे तो फिर तुम अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें श्रृंगार रहा हूँ। हाँ, एक मुरली में तो बाबा ने कहा मेरे में कौन सी बात नहीं है, तो कहा मुझे श्रृंगार करना नहीं आता क्योंकि मैं अशरीरी हूँ, मेरा शरीर है नहीं जो मैं श्रृंगार करना जानू, परंतु हम आत्माओं का श्रृंगार बाप ही कर सकते जो फिर और कोई नहीं कर सकता। प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत यानी पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव ये पक्का करो कि आज का दिन जो पास हुआ वो अच्छा हुआ, और फिर कल्प के बाद भी होगा जो कुछ हुआ, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। ये लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंबोर का विनाश तो होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाए। गीत बजाए है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य ज्ञान के दो बिंदु, नंबर एक, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है, पापात्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है, योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतु करने हैं। नंबर दो, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। खुद से बातें करेंगे तो अपार खुशी में कैसे रहेंगे? तो जरूर उन बातों में कोई विशेषता होगी, नहीं है तो लानी होगी। तो कौन सी वो विशेषता? तो क्या बातें करनी है कि बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने, आप हमारी झोली भर रहे हैं, आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे और फिर हम अपनी राजधानी में आएंगे। आत्माओं से तो हम जन्म जन्मांतर बातें करते आए, लेकिन अब हमें अपने पिता परमात्मा से बातें करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का कि कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आवाहन करने वाले महावीर विजयी भव। बाबा कहते माया से डरो मत, लेकिन माया को क्या करो, चैलेंज करो और उसका आवाहन करो, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है ये स्मृति में लाओ, तो विजयी भव महावीर भव। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं महावीर और विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण वे जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं
कोई रास्ता दो। बाबा कहते हैं यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आवाहन करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। हाँ, वो तो सामने से माया को बुलाएंगे कि आओ तो हम तुम्हारे से युद्ध करें और हम विजयी बने। स्लोगन है, समय की सूचना है। हाँ, समय की मांग क्या है? समान बनो और संपन्न बनो। किसके समान बने? बाप के समान बने और संपन्न बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।